हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। दोस्तों, मैच स्टार्ट हो चुका है, न्यूजीलैंड मिला है 235 स्कोर। आज इंडिया की बहुत ही शानदार बैटिंग रही थी, शुभमन गिल का 126 की बहुत शानदार पारी खेली थी, आज अपना 100 पूरा किया था। दोस्तों, फिनल की बात करें, 3 रन बना के आउट हुए पांडे गेंद पे, यादव ने कैच लॉक का, फिनल मात्र 3 पे आउट हुए, 4 गेंद 3 रन बनाए, देवन कौनवे 1 रन पे आउट हुए, मार्क चैम्पियन 0 पे अपना विकेट गवाया, क्लेम फिलिपिन्स 2 रन बना के अपना विकेट गवाया पांडे गेंद पे। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार बॉलिंग रही हार्दिक पांड्या अर्शदीप सिंह की, पांडे ने यादव कैच दिया, क्लेम फिलिपिन्स 2 पे आउट हुए, डेरी मिचुअल 6 रन की पारी खेली, नॉट आउट मौजूद है अभी, ब्रेसवेल के साथ ब्रेसवेल ने अपना विकेट गवाया, इमरान मलिक के बोल्ड किया 8 रन पे, मिचुअल 17 के साथ, डेली मिचुअल दोनों बल्लेबाज क्रीज मौजूद है, दोनों कम से 6/2 की पारी खेल चुके हैं। दोस्तों, टोटल हुए 22 पे 5 विकेट, 5 ओवर इसमें 5 विकेट मिल चुके हैं 22 रन पे, 4/12 चली करंट रन रेट। दोस्तों, पहला चक्का आया था ब्रेसवेल गेंद से, इमरान मलिक खराब गेंद, बोल्ड हुए मिचुअल ब्रेसवेल। दोस्तों, बैटिंग बाकी सोदी लोकी प्रोग्यूशन ब्लेयर टिकनर लिस्टर बैटिंग बाकी है, बॉलिंग की बात करती पांड्या 2 डाले 12 2 विकेट 6 की इकोनॉमी, अर्शदीप सिंह की बात करेंगे 2 डाले थे 8 रन 2 विकेट इकोनॉमी 3/42। दोस्तों, उमरान मलिक ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, 1 ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट लिया, पांड्या अर्शदीप सिंह उमरान मलिक की शानदार और सटीक गेंदबाजी, 5 विकेट अभी तक गिर चुके भारतीय टीम के, बहुत शानदार बैटिंग। दोस्तों, पहला विकेट 4 पे फिनलैंड का, दूसरा गिरा 4 पे, दूसरा विकेट देवन कौनवे, 5 विकेट चैंपियन का, 7 विकेट क्लेम फिलिपिन्स का, 21 पे गिरा 5 विकेट मिचुअल ब्रेसवेल का। दोस्तों, 5 ओवर का 5 विकेट गिर चुके हैं, अभी टीम दबा मार चुकी है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच का मुकाबला, इंडिया ने बैटिंग करने फैसला किया टॉस जीत कर। दोस्तों, बात करें इंडिया की बैटिंग किस तरह रही थी, आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, राहुल त्रिपाठी का बेहतर प्रदर्शन, देखते किस तरह स्कोर रहा है। आइए दोस्तों, चर्चा करें इंडिया की बैटिंग के बारे में, देखते किस तरह अपना प्रदर्शन करके इंडिया टीम ने 235 का लक्ष्य दिया है आज न्यूजीलैंड टीम को, न्यूजीलैंड 5 विकेट गिर चुकी है, दबा मार चुकी है टीम। दोस्तों, चर्चा करें इंडिया टीम की। दोस्तों, आज का मैच तीसरा T20 का मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। दोस्तों, इंडिया ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग का, तो इंडिया आज सबसे पहले कर रहे बल्लेबाजी। दोस्तों, अहमदाबाद होने जा रहा है T20 का मुकाबला, न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया, 13 होने हैं समाप्त, 20 ओवर का मैच है, 125 पे 3 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। आज का बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी। दोस्तों, इंडिया चूज टू बैटिंग, तो पहले बैटिंग कर रहा है हार्दिक पांड्या, कैप्टन है इंडिया टीम की। आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड तीसरा T20 का मुकाबला, बात करेंगे बैटिंग किस तरह रही आज इस मैच में, ईशान किशन विकेट कीपर। आज दोस्तों, ब्रेसवेल गेंद पे डायरेक्ट गिर बिल्ली हुए, ईशान किशन 1 रन पे आउट हुए, 3 गेंद में 1 रन बनाया, 33/33 इनकी स्ट्राइक रेट, ईशान किशन अपना विकेट 1 रन पे गवाया ब्रेसवेल गेंद पे। शुभमन गिल क्रीज पे मौजूद है, 52 रन की पारी खेल चुके हैं 37 गेंद में, 7 चौके आए उनके बल्ले से, 40.54 उनकी रही स्ट्राइक रेट। दोस्तों, 7 चौके लगाए हैं इन्होंने इस अपने मैच में, बल्ले से 7 चौके आ चुके हैं इस अभी तक इस मैच में। शुभमन गिल आज की 50 हो चुकी है, 52 बना चुके हैं 37 गेंद में, 7 चौके लगाए हैं, बहुत शानदार पारी खेली है, निर्णायक पारी खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया से। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला तीसरा मुकाबला है आज का, राहुल त्रिपाठी बात करें तो राहुल त्रिपाठी सोदी गेंद पे फर्गुसन ने कैच लपका और 44 रन की पारी खेलती, बहुत ही शानदार पारी खेलती राहुल त्रिपाठी ने आज, 22 गेंद 44 रन बनाए थे, 4 चौके और 3 छक्के लगाए थे मैच के, पहले छक्के आए थे 3 छक्के अपने बल्ले से लगाए थे राहुल त्रिपाठी ने, 4 चौके और 3 छक्के आए थे 200 के लिए उनकी स्ट्राइक रेट, 22 गेंद में 44 रन बनाए थे उन्होंने इस मैच में। दोस्तों, ईशान किशन 1 रन बना के आउट हुए, 52 रन की पारी खेल चुके हैं, शुभमन गिल अभी क्रीज मौजूद हैं, 37 गेंद में 52 रन बनाए हैं, 7 चौके लगाए हैं उन्होंने इस मैच में, 140.54 की ही स्ट्राइक रेट राहुल त्रिपाठी की। दोस्तों, राहुल त्रिपाठी 44 रन की पारी खेली थी, 4 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं, 22 गेंद में 44 रन बनाए हैं उन्होंने इस मैच में, 4 चौके हैं अभी तक उनके बल्ले से और 3 छक्के लगा के अपना विकेट गवाया था सऊदी गेंद पे फर्गुसन ने, आसान कैच लपका राहुल त्रिपाठी का और 44 रन पे अपना विकेट गवाया, 200 की रन से रन आए थे उनके बल्ले से। दोस्तों, आज राहुल त्रिपाठी शुभमन गिल बहुत ही फॉर्म और लय में खेले और अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में T20 का मुकाबला, पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे विकेट गवाया था, लेकिन आज शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी इस मैच में टूट के करीब 100 रन की पारी खेल चुके थे दोनों बल्लेबाज, सूर्य कुमार आज जो के बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ। दोस्तों, ईशान किशन ब्रेसवेल गेंद पे
आउट हुए, शुभमन गिल नॉट आउट है, अभी क्रिज मौजूद है, 52 की पारी खेल चुके 37 गेंद में। राहुल त्रिपाठी अभी 14 गेंद पे आउट हुए थे, प्रोफेशन गेंद पे 44 उनकी पारी खेली, बहुत शानदार पारी खेली 22 गेंद में। दोस्तों राहुल त्रिपाठी इस तरह से बहुत ही अच्छी पारी खेली है, 4 चौके 3 छक्के लगाए थे उन्होंने इस मैच में, 200 की रही थी स्ट्राइक। सूर्यकुमार यादव दोस्तों भी हारे आउट हुए टिकर गेंद पे, वेस्ट इंडीज ने कैच क्लब का और सूर्यकुमार यादव को 24 रन पे आउट किया, 13 गेंद 14 रन बनाए थे उन्होंने, एक चौका और दो छक्के लगाए थे इस मैच के, 184.61 के रन थे, 13 गेंद 24 रन, बहुत ही शानदार पारी खेली सूर्यकुमार यादव ने, खराब गेंद टिकने की और प्रोफेशन ने कैच क्लब का सूर्यकुमार यादव को 24 रन पे आउट किया। दोस्तों ऐसा मिले 4 रन अभी तक भारतीय टीम को, 125 और 3 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। सूर्यकुमार यादव की बात करेंगे दो दोस्तों, लगातार छक्के और एक चौका लगाया था उन्होंने 13 गेंद में, 24 बना चुके थे, खराब गेंद से सूर्यकुमार यादव का विकेट गिरा 24 पे। दोस्तों राहुल त्रिपाठी की बहुत शानदार बैटिंग रही इस मैच में, राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव और दोस्तों शुभमन गिल भी क्रीज में मौजूद है, अच्छी पारी खेल रहे हैं। दोस्तों बैटिंग बाकी है, वासिंद सुंदर आ चुके हैं बल्लेबाज करने, हार्दिक पांड्या आए उनके बाद, और दीपक हुडा, शिवम मवी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और उमराव मलिक आज इस मैच में अपना परफॉर्म दिखाएंगे। बैटिंग बाकी है, वासिंद सुंदर, हार्दिक पांड्या कैप्टन, दीपक हुडा, शिवम मवी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह बहुत शानदार, तेज गेंदबाज उमराव मलिक, दोस्तों अपना परफॉर्म दिखाए इस मैच में। इंडिया ने पहले फैसला किया बैटिंग का, तो 125 और 3 विकेट गिर चुके हैं अभी, 13 होने समाप्त। दोस्तों बात करेंगे बॉलिंग किस तरह से रही है आज न्यूजीलैंड टीम की, अपना परफॉर्म दिखाया है न्यूजीलैंड, तीसरा T20 मुकाबला है दोस्तों, पहला जीता था दूसरा न्यूजीलैंड हारा, तीसरा मुकाबला आज दोनों के बीच निर्णय मुकाबला खेला जा रहा है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। दोस्तों देखते हैं इस मैच में क्या होता है। दोस्तों 125 पे 3 विकेट गिर चुके हैं। दोस्तों बात टीम को जानना चाहते हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों 125 रन की पारी खेल चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, अभी सूर्यकुमार यादव बड़ा विकेट गिरा है, ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी अभी मौजूद है, शुभमन गिल क्रीज पे सुंदर के साथ। दोस्तों पहला गिरा विकेट शुभमन, ईशान किशन का दूसरी गेंद पे, 7 पे दूसरा विकेट, पहला विकेट 87 का दूसरा विकेट था राहुल त्रिपाठी का, 90 की दूसरी गेंद पे 125 विकेट, तीसरा विकेट सूर्यकुमार यादव का 13 की तीसरी गेंद पे। दोस्तों इस तरह से आज के 3 विकेट गिर चुके हैं, 7 पे गिरा ईशान किशन का पहला विकेट, राहुल त्रिपाठी दूसरा विकेट, सूर्यकुमार यादव का गिरा था तीसरा विकेट 125 पे। बॉलिंग की बात करें आज बॉलिंग में लिस्टर की बात करें, 2 डाले, 11 रन दिए थे उन्होंने, 5.50 इकोनॉमी रही थी। ब्रेसवेल एक और डाला, 8 रन दिए, 1 विकेट लिया उन्होंने, 8 की इकोनॉमी। लोकी फर्ग्यूसन की बात करें, 2 डाले थे, 23 रन दिए, मेगा साबित हुआ, 11.50 इकोनॉमी, कोई सफलता नहीं मिली। और ब्लेयर टिकने की बात करेंगे, 2 डाले थे उन्होंने, 21 रन दिए, 1 विकेट लिया, 14 की रही थी उनकी इकोनॉमी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है आज इंडिया टीम की। दोस्तों इंडिया ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस मैच में, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, दोस्तों अभी शुभमन गिल क्रीज मौजूद है, ईशान किशन 7 रन पे गिरा पहला विकेट, दूसरी गेंद पे गिरा था 87 विकेट, दूसरा भी राहुल त्रिपाठी का 9th ओवर 2 गेंद 125 तीसरा विकेट, 13 गेंद पे सूर्यकुमार यादव का। दोस्तों बेंजामिन लिस्टर 2 ओवर में 11 रन दिए, 5.50 इकोनॉमी। मिचेल ब्रेसवेल 1 ओवर में 8 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी। लोकी फर्ग्यूसन 2 डाले, 23 रन दिए, 11.50 इकोनॉमी। ब्लेयर टिकनर 2 ओवर, 21 रन, 1 विकेट, 14.6 इकोनॉमी रही थी। दोस्तों आज की न्यूजीलैंड का बॉलिंग का बहुत अच्छा परफॉर्म ब्रेसवेल कर रहा था, उन्होंने 1 विकेट झटकाया था, बड़ा विकेट लिया उन्होंने, और टिकनर ने विकेट लेके 3 विकेट लिए थे आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बहुत शानदार होने जा रहा है, इंडिया ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग का, बहुत ज़्यादा बैटिंग 125 रन बना चुकी है अभी इंडिया टीम। हम बात करते हैं बॉलिंग की, ब्लेयर टिकनर 2 ओवर में किसी ने 1 विकेट, और सऊदी आज 3 ओवर डाले थे, 24 रन दिए, 1 विकेट लिया था, 11.33 रन की इकोनॉमी। मिचेल संतार की बात करते हैं हम, 3 ओवर डाले, 25 रन दिए थे उन्होंने, 8.33 रन इकोनॉमी। इस सऊदी ने 1 विकेट लिया, 34 रन दिए 3 ओवर में, और सर ब्लेयर टिकनर ने 1 विकेट लेकर 21 रन दिए थे 2 ओवर में। न्यूजीलैंड वुमेन टीम बात करें, फिनलैंड डेवन कॉनवे विकेट कीपर, मार्क चैम्पियन, ग्लेन फिलिप्स, डेली मिचुल, मिचेल ब्रेसवेल, मिचुल संतार, इस सऊदी, लोकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर और बेंजामिन डिस्टार्ज बल्लेबाजी करेंगे